तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज की, जो आपके बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस थे। आपको इन सभी लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्रोज एंड कॉन्स को भी बताएंगे, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकें। और अगर आपको कोई भी लैपटॉप परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट पर है Acer Aspire 5। ये बेसिकली एक पोर्टेबल और सॉलिड लैपटॉप है जो 15.6 इंच के फुल HD वाइड स्क्रीन LED बैकलिट IPS नॉन टच डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें आपको 82.58% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। और इसमें AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर और AMD Radeon ग्राफिक्स है, जो इस बजट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। 8GB की DDR4 RAM और 512GB की SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है आपको, जो मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है। इसके स्लिम और ट्रिम चेसी इंप्रेसिव फील देती है, और ये लैपटॉप इन सभी स्पेक्स के साथ सॉलिड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। प्रोस की बात करूं तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मिलती है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है और डिसेंट बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है। कॉन्स की बात करूं तो इसका वेबकैम बेटर हो सकता था। नंबर 2 पे Asus VivoBook 15। ये लैपटॉप 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, जो वाइब्रेंट विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसमें एक इंटेल कोर i3-111 5G4 प्रोसेसर है, जो डेली के टास्क के लिए रिलायबल परफॉर्मेंस देता है। इंटीग्रेटेड इंटेल HD ग्राफिक्स 5000 स्मूथ ग्राफिक्स रेंडरिंग इंश्योर करता है, और 8GB की DDR4 RAM के साथ ये लैपटॉप मल्टीटास्किंग और एप्लीकेशंस को स्मूथली चलाने के लिए सफिशिएंट मेमोरी ऑफर करता है। इसमें एक स्पेशियस 512GB की PCIe SSD स्टोरेज भी है, जो फास्ट स्टोरेज और क्विक डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है। कीबोर्ड कंफर्टेबल और रिस्पॉन्सिव डिजाइन का है, जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को भी अच्छा बनाता है। इसके अलावा ये लैपटॉप इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करता है, जो प्रोसेसर के क्लॉक स्पीड को डायनामिकली इंक्रीज करके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है जब जरूरत होती है। प्रोस की बात करूं तो सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, ग्रेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, थिन और लाइट वेट डिजाइन है इसका। कॉन्स की बात करूं तो एवरेज बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल रही है इस वाले लैपटॉप में। नंबर 3 पे है HP Pavilion 14। तो इस लैपटॉप में आपको 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिससे क्रिस्प और क्लियर विजुअल्स मिलते हैं। AMD Ryzen 5 5625U प्रोसेसर है, जिससे रिलायबल परफॉर्मेंस मिलती है एवरीडे टास्क के लिए। AMD Radeon ग्राफिक्स एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बना देता है, जिससे कैजुअल गेमिंग और एंटरटेनमेंट काफी अच्छे से हो जाती है। इस लैपटॉप में 8GB की DDR4 RAM है, जिससे आप अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ चला सकते हैं। इसके अलावा 512GB की SSD भी है, जिससे आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए काफी स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। लैपटॉप का डिजाइन प्रीमियम है और चेसी अट्रैक्टिव है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रेसिव है। प्रोस की बात करूं तो प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल रहा है, ग्रेट बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है और डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कॉन्स की बात करूं तो लो ब्राइटनेस लेवल है, जो कि बेटर हो सकता था। नंबर 4 पे है डेल का इंस्पिरॉन 15। तो ये लैपटॉप 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, जो साफ और वाइब्रेंट विजुअल्स ऑफर करता है। इसमें 11th जनरेशन का इंटेल कोर i3-111 5G4 प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, जो कैजुअल गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इस लैपटॉप में 8GB DDR4 RAM है, जिससे मल्टीटास्किंग और डिमांडिंग एप्लीकेशंस को स्मूथली चलाया जा सकता है। एंड इसमें 512GB की SSD स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। इसके थिन और लाइट डिजाइन की वजह से इसको कैरी करना भी इजी हो जाता है। इसका कीबोर्ड स्टर्डी और रिलायबल टाइपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी को और भी बढ़ाता है। प्रोस की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, डिसेंट डिजाइन देखने को मिलता है और ग्रेट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। कॉन्स की बात करूं तो एवरेज बैटरी लाइफ है इसकी। तो नंबर 5 पे है Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप 15.6 इंच के फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि एक शार्प और वाइब्रेंट विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस लैपटॉप में 12th जनरेशन का इंटेल कोर i3-1215U प्रोसेसर और इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड है, जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ कैजुअल गेमिंग को भी आसान बनाता है। इस लैपटॉप में 8GB DDR4 RAM है, जिससे मल्टीटास्किंग स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है। और इसमें 512GB की SSD स्टोरेज भी है, जिसमें फाइल्स, एप्लीकेशंस और गेम्स के लिए काफी स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। इसके इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशंस के अलावा इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ड्यूरेबिलिटी की बात करूं और लॉन्गेबिलिटी की बात करूं तो वो भी ये लैपटॉप काफी अच्छे तरीके से इंश्योर करता है। लेकिन एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि इस लैपटॉप के चिकलेट कीबोर्ड में थोड़ा सा वॉबलिंग हो सकता है, जो टाइपिंग एक्सपीरियंस को कुछ यूजर्स के लिए थोड़ा सा इनइफेक्टिव बना सकता है। तो उसकी बात करें तो स्टाइलिश और वेल मेड है, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मिलती है आपको और नाइस कीबोर्ड ट्रैक पैड देखने को मिलता है आपको। कॉन्स की बात करूं तो आपको शॉर्ट बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द अदर लैपटॉप ऑन द लिस्ट। तो यार गाइस, ये थे 40,000 रुपए के अंदर में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए इनमें से कोई भी लैपटॉप बाय कर सकते हो। इन सभी लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।